दोस्तों यहाँ पर आप स्टेशन से आते तो इस रोड से आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर JJAC मार्केट है, यहाँ पर आपको रुकना है JJAC मार्केट, और यहाँ पर आपको सूरत टेक्सटाइल मार्केट भी यहाँ पर ही मिल जाएगा। और यहाँ पर JJAC मार्केट के उसके सामने यानी कि ऑपोजिट में यहाँ पर आपको एक गली मिलेगी, वहाँ पर आपको जाना है। और यहाँ पर अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ किस प्रकार यहाँ पर आपको शॉप मिलेगी। दोस्तों कुछ इस प्रकार की यहाँ पर गली मिलेगी आपको यहाँ पर, और यहाँ पर अंदर भी कई बड़े बड़े मार्केट है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर एक रोहित एसी मार्केट के उसके आगे जाना है आपको थोड़ा। और दोस्तों यहाँ पर आप राइट तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू रतन मार्केट मिल जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से न्यू रतन मार्केट है ये, तो सब देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ से आपको ऊपर जाना है सेकंड फ्लोर। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम शॉप पर आ गए हैं, यहाँ पर काम धेनु टेक्सटाइल। और दोस्तों आप इस प्रकार से यहाँ पर आ सकते हैं, तो अभी हम अंदर जाकर कुछ कलेक्शन देखते हैं आज का। देखो भैया मैं आपको मेरी दुकान का कलेक्शन दिखाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। ये 125 रुपए की साड़ी आएगी, इसमें पूरा गोल्डन वर्क है, गोल्डन बुट्टी आती है, इसमें बुट्टी चेंज होती है, जैसे इसमें बुट्टी है, स्टार बुट्टी भी आती है, दिल का भी आता है, अलग अलग ये बुट्टी आती रही। ये लेजर कपड़ा आएगा, ये बहुत अच्छी चीज। ये देखो मेरी दुकान की बहुत अच्छी आइटम है, इसमें डिजाइने बहुत सारी मिलती है, कलर भी मिलते हैं। ये है 450 रुपए में, ये पेडिंग का कपड़ा आएगा और पूरा शेडेड वर्क। यहाँ पे देखो एक बॉर्डर 3 शेड में साड़ी बनी है, यहाँ पे पूरा ट्री का बॉर्डर मिला है और इसमें वर्क की लेस भी है 450 रुपए। ये शेडेड आइटम अभी बहुत अच्छी चलती है। ये आइटम हमारी ब्लैकबेरी नाम से जानी जाती है, ब्लैकबेरी ये भी 350 रुपए की रेंज में। तो ये डिजाइन देखिए यहाँ पर आपको, और ये हाफ एंड हाफ के मतलब कलेक्शन में है। ये हाफ एंड ये कलेक्शन बहुत अच्छा चलता है, इसमें मेहनत भी बहुत लगती है, ये लेडीज कलेक्शन नहीं है, ये जो जितना भी स्टिच होता है जेंट्स स्टिच होता है। ये ब्लू स्टार, इसमें पूरा कट बॉर्डर रहेगा, ये जूट कपड़ा है और पूरा 550 की रेंज आएगा। यहाँ पर आपको डायमंड वर्क भी मिले, यहाँ पर आप देख पाए तो दोस्तों यहाँ पर ब्लू डायमंड वर्क है। और इसकी क्या प्राइस बताई आपने? 550 रुपए, 550 की है दोस्तों ये प्राइस। और इसमें पूरा कट वर्क का बॉर्डर आएगा पूरी साड़ी में, और ये जूट कपड़ा, ये कपड़ा भी बहुत अच्छा, भी बहुत चलता है, ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। जूट में भी बहुत वेरायटी होती है, सॉफ्ट भी आता है, कॉटन जूट भी आता है, ये एकदम सॉफ्ट वाला जूट है। ये हाफ हाफ का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा चलता है। इसका ये बॉक्स पल्लू आएगा, ये बॉक्स पल्लू है, ये चंदेरी कपड़ा आएगा, पीछे भी चंदेरी आएगा। ये 350 रुपए की रेंज में और हाफ में बहुत अच्छी चीज है। क्या बात है। और इसमें कितना मार्जिन लगा सकता है आपके अनुसार? देखो ये तो आइटम के हिसाब से, आप जितनी भी आइटम लेके जाओ तो 30% तो मिनिमम मार्जिन रखना ही है, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, उसमें 50% मार्जिन रख सकते हो। कपड़े का धंधा ही कमाने के लिए है। ये देखो ये आइटम बहुत अच्छी है, इसमें नेट का पल्लू आएगा, पूरा पल्लू भरा, पूरे पल्लू में बुट्टी बुट्टी वर्क है, तो सब देख सकते हैं यहाँ पर आपको डायमंड वर्क बहुत ही अच्छा मिलेगा, पूरा वर्क का लेस भी आएगा और पीछे जॉर्जेट कपड़ा आएगा इसमें। ये 550 रुपए की रेंज में, ये हमारी दुकान का स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है, मतलब हर रोज हमने कुछ न कुछ डिस्काउंट आइटम देते हैं, उसमें ये बहुत अच्छी चीज है 550 की रेंज में। मैं आइटम दिखा रहा हूँ एक विचित्रा कपड़े में। हाँ ये मटका डिजाइन है, ये विचित्रा कॉटन है, इसमें देखो पल्लू में पूरे लटकन आएंगे, पूरा डायमंड का लेस आएगा और मटके का डिजाइन है, ये मटका नाम से ही जानी जाती है। इसके लिए हमने खासियत की कि पीछे भी इसके पट्टी लगा है पूरी साड़ी में, इसलिए देख सकते हैं यहाँ पर पीछे भी पट्टी लगी है, इसलिए कि सिकुड़ती नहीं है साड़ी, मतलब स्ट्रेट रहती है, पहनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर कई मेरे ये जो वीडियो है ठीक है बाहर से देखता है, आउट ऑफ कंट्री से, तो ये आपका जो माल है आउट ऑफ कंट्री चला जाएगा? हाँ आउट ऑफ कंट्री चला, यहाँ से बॉम्बे जाता है, बॉम्बे से आउट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट हो जाता है। और पूरे इंडिया में, चलो पूरे इंडिया की बात करूँ तो कितने दिनों में वहाँ पर, मैक्सिमम दिनों में वहाँ तक पहुँच जाएगा माल?
जिसे गुजरात, एमपी, यूपी यहाँ का हो ना राजस्थान, तो 3 दिन में पहुंच जाते, 3 से 4 दिन, और इससे ज्यादा दूर हो तो 7-8 दिन मैक्सिमम मान के चलो, मिनिमम मान के चलो। ठीक है ठीक है। ये आइटम देखो 300 रुपए की रेंज, 300 ये निकल जाने का कुछ डर नहीं, ये निकलता नहीं, ये है ना मशीन लॉक है, ले चीज निकलने वाली नहीं। ये 300 रुपए की रेंज में बहुत अच्छी है। इसमें जो लेस आएगी उसपे भी डायमंड लगे रहेंगे, इसमें भी ये स्टोन लगे रहेंगे, और ये मशीन लॉक है, ये निकलेंगे आप घर पे धो सकते हो, धो सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बूटा भी मिल रहा है, यहाँ पर एक आइटम चेक्स है, चेक्स का सिल्क पे आइटम, ये बहुत अच्छा 550 रुपए की रेंज में, ये बड़ी लेस में, और बहुत बड़ी आइटम 550 की है प्राइस का। दोस्तों यहाँ पर आपको कलेक्शन बहुत एक से एक अच्छा कलेक्शन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी में नहीं होता, यहाँ पर क्वालिटी पे, यहाँ पर मतलब जो बिजनेस करते हैं ये। मैं मेरी दुकान से लेके जाओ ना भाई आइटम, मैं ये नहीं बोलता हूँ सस्ता लेके जाओ, थोड़ा लेके जाओ, पहले अच्छा लेके जाओ, आपके पास जाने के बाद बिकना चाहिए और आपको मार्जिन मिलना चाहिए। मेरे पास बहुत वैरायटी है, पर मैं सस्ती में कभी विश्वास नहीं करता हूँ। मेरी दुकान ये आप अच्छा मैं अच्छा बनाता हूँ, अच्छा बेचता हूँ, मैं भी कमाऊँ और आप भी कमाओ। और यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी क्या रहेगी आपकी तरफ? रिटर्न पॉलिसी में ऐसा है, अगर मेरा कोई पीस सेकंड निकलता नहीं तो आप कभी भी लेके आ सकते हो, और हाँ कोई आइटम नहीं चलती है तो 3 महीने तक रिटर्न, 3 मंथ में रिटर्न कर सकते हो। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पूंजी यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहीं पर रुकने का डर नहीं रहता यहाँ पर आपको। हाँ एक है शर्त है, अगर आप रिटर्न लाते हो तो उसके साथ मेरा बिल लाना जरूरी है, क्योंकि रिटर्न लाने वाला आदमी कुछ खरीदी करता है उसका रिप्लेसमेंट, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसके कौन सा आइटम बिका वही चीज मैं उसको उसमें नया आइटम देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर एरिया का टेस्ट अलग रहता है। अगर आप मेरे पास आए हो और आप 10 आइटम लेके गए, उसमें से 8 सेल हो गई, 2 सेल नहीं हुई, तो मेरे को ये पता चल रहा है 8 कौन सी सेल हुई, उससे मेरे को ये बेनिफिट है कि मैं दूसरे घर को उस एरिया में वही चीज दूं, और आपके भी उसी टाइप की चीज बताऊं, ताकि आपको सेकंड टाइम में रिप्लेस लाना नहीं पड़े। यानी कि दोस्तों आपको बिल लाना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ब्लाउज पीस, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा ब्लाउज है और बहुत ही अच्छी डिजाइन मिल रही है यहाँ पर आपको ब्लाउज पीस में भी। ये आइटम देखो 950 रुपए की रेंज में, प्योर सिल्क पे। हाँ प्योर सिल्क पे ये देखिए, उसे बहुत ही हेवी क्वालिटी है यहाँ पर। आप यहाँ पर आपको लगेगा कि ये मतलब 900 कितने के बताए, 950 950 की बताई। दोस्तों आप यहाँ पर देखे ना दोस्तों, ये मतलब मशीन वर्क है, यहाँ पर डायमंड लगाए गए हैं दोस्तों, बारीकाई से देखिए। और यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जरी का वर्क है ना, ये भैया बहुत अच्छा है। इस ये वर्क है ना, इसकी सूरत में 6 या 7 ही मशीन है। क्या बात है, 6 या 7 नहीं? हाँ, और हम खुश नसीब है हमारे पास भी एक मशीन है। क्या बात है, पूरे सूरत में दोस्तों यहाँ पर 6 या 7 ही है इनकी, इस वर्क की मशीन। हाँ। इसमें ना एक तो वर्क का लेस है और एक डायमंड लेस अलग से लगा, इसमें डबल लेस लगा है। ये वर्क है ना, ये तो इसके साथ में आता मशीन वर्क है, और ये डायमंड का लेस ऊपर से अलग से लगा है। क्या बात, इससे इसका लुक है ना डबल अच्छा हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही यहाँ पर फैंटास्टिक यहाँ पर डिजाइन है, आपको बारीकी से मैं दिखाऊं, छोटे छोटे डायमंड, बहुत ही छोटे छोटे डायमंड है। ये सिल्क पे आएगी, ये बहुत अच्छी, 850 रुपए की रेंज है, 850 की है। दोस्तों आप ये कलेक्शन देखिए, यहाँ पर आपको बहुत से अच्छी यहाँ पर आपको वेराइटीज मिलने वाली। आप यहाँ पर बारीकाई से देखिए, यहाँ पर आपको डायमंड वर्क मिल रहे हैं यहाँ पर भी। हमारी कोई भी आइटम लोगे ना, उसमें 4 से 6 से 20 तक कलर मिलेंगे आपको, हर डिजाइन मिनिमम 4 पीस लेने देंगे। इसमें ना ये टोन टू टोन वर्क है, ये पूरा बेल्ट टोन टू टोन वर्क है, यहाँ पे गुलाब का स्पेशल वर्क दिया हुआ है। 950 रुपए में। दोस्तों यहाँ पर आप इसकी बॉर्डर देखिए, यहाँ पर आप बॉर्डर देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कितनी अच्छी क्वालिटी है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर भी एक छोटे छोटे डायमंड लगाए गए हैं, यहाँ पर ऊपर लगाए गए हैं, यहाँ पर नीचे भी यहाँ पर आपको डायमंड वर्क मिल रहे हैं। और दोस्तों इसका एक कपड़ा भी बहुत अच्छा आएगा सर। और ये कपड़ा क्या रहने वाला है? रोमियो सिल्क। क्या बात है, दोस्तों ये देखिए पूरी साड़ी यहाँ पर आप इसे आराम से बहुत ही अच्छे यहाँ पर आपको लगा सकते हैं मार्जिन इसमें। 950 रुपए में, 950 की है। दोस्तों ये देखिए, ये वर्क सिंपल सोपर लगता है, पर इसका डायमंड का लुक आप यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत नॉर्मल लगने वाला वर्क, लेकिन आप बारीकाई से इसे देखिए, यहाँ पर डायमंड यहाँ लगे, छोटे छोटे डायमंड है, बहुत ही छोटे छोटे डायमंड है, यहाँ पर मशीन वर्क किया गया है इस पे। तो दोस्तों पूरे यहाँ पर पूरी साइज में यहाँ पर डायमंड वर्क है, आपको मैं बारीकाई से यहाँ पर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे डायमंड है, बहुत ही छोटे डायमंड है। हमारे काम में फिनिशिंग अच्छी आएगी, हम कट में चोरी नहीं करते, सस्ता बनाने के लिए कट में चोरी करना पड़ता, वो करना पड़ता, वो नहीं करते हमारा। हाँ प्रोडक्ट, हाँ आपको 2 रुपए महंगा लग सकता है, मैं ये नहीं बोलता, पर जो फिनिशिंग काम वो देखोगे ना मार्केट से अच्छा है। और आप क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट देखी दोस्तों, बहुत ही अच्छी है। और इसकी क्या प्राइस है?
इसकी 950। दोस्तों ये देखिए, ये कुछ अलग वेराइटीज आपको सामने यहाँ पर आ गई। दोस्तों आप यहाँ पर इसकी बॉर्डर देखिए, बहुत ही अच्छी बॉर्डर मिल रही है। और दोस्तों यहाँ पर भी कुछ डायमंड वर्क किए गए यहाँ पर छोटे छोटे, और दोस्तों पूरी सारी यहाँ पर वर्क में आने वाली, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया इस पे। और आप मेरे यहाँ पर मेरे व्यूवर्स को कुछ गाइडलाइंस देने चाहेंगे इस बिजनेस को किस प्रकार से यहाँ पर हैंडल करना चाहिए? इस बिजनेस में ऐसा है ना भैया, आप कोई भी बिजनेस करो, फल फ्रूट मिठाई सब्जी, उसमें क्या होता है, वो चीज दो दिन तक नहीं बिकती ना, तीन दिन तक में बासी हो जाती है, उसको फेंकनी पड़ती है, उसको फिर जानवर भी नहीं खाते। कपड़े का बिजनेस ऐसा है ना, जैसे आज आप साड़ी लेके गए, ये साड़ी ये मैं आपको 750 रुपए में दे रहा हूँ, सपोज करो ये आज 1200 में बिक रही है, ठीक है, हो सकता है एक महीने बाद ये 1000 में बिके, उसके एक महीने बाद 950 में बिके, उसके एक महीने बाद 900 में बिके, मतलब जब तक आपको मार्जिन मिलता है आपकी है। हाँ, तीन महीने में तो आपको रिजल्ट पता चल जाता चल जाएगा कि ये चीज मेरे नीचे और नहीं चल रही है, यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस हो जाती है। क्या बात है दोस्तों, यहाँ पर जो पूंजी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका यहाँ पर रुकने का कोई भी डर नहीं रहेगा यहाँ पर। हाँ ये भी है, मान लो आप 20,000 का कपड़ा लेके गए, आपके 15,000 का बिक गया, 5,000 का नहीं बचा, तो उसमें मान लो बाई चांस आपने धंधा बंद भी कर दिया, तो 5,000 का इतना कपड़ा कि आपके एक साल में इतने काम पड़ते हैं कि वो कपड़ा आपके काम लग जाता है, और 15,000 में मतलब कुछ वेस्ट नहीं जाता यहाँ। हाँ, इसमें वेस्ट वाली कोई चीज नहीं है। और ये क्या मटेरियल लेने वाला है यहाँ पर? ये 60 ग्राम मटेरियल है, ये पानेतर साड़ी है दोस्तों। यहाँ पर इसको बॉक्स पल्लू बोलते हैं, ये बॉक्स पल्लू बहुत अच्छा रिच पल्लू है, और पूरा डायमंड का पूरा ग्रीन कलर का इसमें लेस लगा हुआ है, तो सब देख सकते हैं। और इसकी क्या प्राइस रहनी? 650 650 के। दोस्तों क्या बात है, यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे मिलने वाली यहाँ पर क्वांटिटी और क्वालिटी भी यहाँ पर बहुत अच्छी। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डायमंड वर्क, यहाँ पर रेड, यहाँ पर डायमंड लगे, यहाँ पर व्हाइट, यानी कि यहाँ पर आपको क्वालिटी में बहुत ध्यान दिया गया है यहाँ पर। अब मैं थोड़ा एक दो हेवी रेंज का सैंपल दिखाता हूँ जो अभी बहुत अच्छे से। ये देखो आइटम, इसकी क्या प्राइस रहने वाली? 1650 रुपए। दोस्तों ये देखिए, 1650 का है दोस्तों ये। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसका वर्क देखिए यहाँ पर, और इसकी बॉर्डर देखेंगे दोस्तों आप तो यहाँ पर देखते ही रह जाएंगे इसको। और इसमें कितना मुनाफा ले सकते हैं? देखो हेवी रेंज में तो आप 60-70% ले सकते। 60-70%, क्या बात है। जैसे मेरा यहाँ पे वीटीएम में दुकान है, एक रिटेल शॉप है, रिटेल शॉप तो डबल होता है। क्या बात है, सूरत में भी आप डबल कर देते हैं रिटेल? 1000 से वो आइटम होती है ना, उसमें डबल होता है, और 1000 के अंदर है तो आप समझ लो 50% मार्जिन चलो, और 500 के अंदर है तो 30% मार्जिन। दोस्तों यहाँ पर इनके एक रिटेल शॉप है यहाँ पर भी, दोस्तों सूरत में भी ये डबल प्राइस करके बेच रहे। दोस्तों आप सोचिए कि आप अपने सिटी में कितने में इसे बेच सकते यार? कम रेंज के आइटम होती है ना भैया, 100-150-200, वो क्या हर दुकान पे मिलती है, हर छोटी सी छोटी लोरी पे मिलती है, पोटली वाला भी मिलता है, फेरी वाला भी मिलता है, तो वो क्या कॉमन आइटम है, उसमें मार्जिन नहीं ले सकते। वर्क ही ऐसी आइटम है जिसमें आप मार्जिन ले सकते हो। छोटे वाले 5 पीस बेच के 50-50 करके 250 करो तो उससे अच्छा था, इसमें एक साड़ी बेचो तो 250-300 रुपए आराम से हो जाते हैं। हाँ इन्वेस्ट होता है, पर ये चीज ऐसी है ना, आपको 2 पैसा कमा के जाती है। मान लो आप एक साड़ी लेने वाला ग्राहक है, आपने उसको 200 साड़ी बेची, सॉरी एक साड़ी बेची 200 रुपए वाली, उसके लिए आपने 50 साड़ी खोल के दी, 200 वाली साड़ी में आपको 50 रुपए मिलने वाले, ये मान के चलो। वही आपको 50 साड़ी खोल के आपने एक साड़ी 500 की बेची, तो आप मिनिमम 100-150 रुपए कमा सकते हो। उसी ग्राहक को आपने 1000 रुपए की साड़ी बेची है, तो समझ लो आप तो 300-400 रुपए कमाए। एक ग्राहक आता है आपके पास, एक साड़ी लेना तो एक ही साड़ी लेगा, चाहे 1000 किलो या 200 किलो। अगर उसने 200 की पसंद की और उसका 1000 का बजट है, तो 5 साड़ी लेने वाला नहीं है, वो एक ही साड़ी लेना। हाँ, तो वो बात उसको सही, अपना कलेक्शन अच्छा है, उसका बजट 500 रुपए का है, उसको 1000 की पसंद आएगी तो वो ले लेगा, ले लेगा। 700 की पसंद आएगी लेगा, उसको एक ही साड़ी लेना। अगर आपने 1000 की बेची तो 300-400 रुपए कमाए, 100 की बेची तो 20 रुपए कमाए, 200 की बेची तो 50 रुपए कमाए, मतलब अच्छा कलेक्शन होगा ना। एक साड़ी लेने वाला एक ही लेगा, आप अच्छा कलेक्शन रखोगे ना तो उसमें मार्जिन रख सकते हो। मैं ये नहीं कहता आपको कि आप दुकान भरो, पूरी फुल वैरायटी भरो, फुल वैरायटी भरने का जरूरी नहीं, आप थोड़ा कलेक्शन रखो और अच्छा रखो, अच्छा रखो, ब्यूटी वाले रखते ना वैसे। हाँ वो बात सही, उसमें मार्जिन मिलेगा, मार्जिन मिलेगा क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और ये क्या मटेरियल रहने वाला? ये संतूर कॉटन है, संतूर कॉटन है, ये भी पूरा हैंडवर्क का साड़ी, पल्लू भी है, पूरा पाटली भी आएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक से एक अच्छी क्वालिटी दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये 1850 रुपए की साड़ी। क्या बात है दोस्तों, यहाँ पर आपको फुल यहाँ पर क्वालिटी में, यहाँ पर आपको मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया यहाँ पर क्वालिटी में। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर इनकी
ये 1250 रुपए की साड़ी है, उसको पूरा नेट का बॉर्डर दिया हुआ है और पूरा हैंडवर्क का बॉर्डर दिया है। हैंडवर्क भी यहाँ पर बहुत अच्छा किया। दोस्तों यहाँ पर देखिए नेटवर्क है, और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर इसकी डिजाइन देखिए, और बीच में भी यहाँ पर बूटे लगाए गए हैं यहाँ पर। इसकी क्या प्राइस बताई आपने? 1250। 1250 बताई, क्या बात है। ये ब्लैकबेरी कपड़ा है, ब्लैकबेरी कपड़ा। दोस्तों ये देखिए इसकी डिजाइन देखिए यहाँ पर 1150। दोस्तों यहाँ पर मेरे तो यही होता है कि आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छे यहाँ पर क्वालिटी दिखाया जाए, यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे कलेक्शन दिखाया जाए। यहाँ पर काम देखो, डायमंड का काम कितना। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर डायमंड, यहाँ पर छोटे छोटे डायमंड लगाए गए हैं यहाँ पर भी देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर वर्क बहुत ही हैवी किया गया है यहाँ पर। दुल्हन कलेक्शन है, दुल्हन कलेक्शन आया 950 की। बार बुट्टे पे स्टोन का काम किया, हैंडवर्क का काम किया, ये चीज है ना, ये बहुत अच्छी है इसकी। तो सब देख सकते हैं यहाँ पर, इसके बॉर्डर देख के यहाँ पर, इसके यहाँ पर इसको दुल्हन कलेक्शन है। ये आप रिटेल में 1800-2000 तक आराम से सेल कर सकते हैं। क्या बात है, इसमें दो गुना प्राइस बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इतनी अच्छी क्वालिटी तो आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली है। तो अभी आप मेरे व्यूअर्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे यहाँ पर? मैं तो बोलता हूँ भैया, साड़ी का बिजनेस स्टार्ट करो, कर दो, बहुत अच्छा है। या सूरत के व्यापारी कहीं जाओ, आपको इस बिजनेस में बहुत सपोर्ट मिलने वाला है आपको। और ये चीज है ना बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है, मान लो इसमें। और यहाँ पर कई जैसे मेरे व्यूअर्स है, ठीक है, यहाँ पर सूरत आते फर्स्ट बार शॉप स्टार्ट करते, उसे नहीं मालूम होता कितना मार्जिन लगाना है, यहाँ पर कौन सा कलेक्शन ले जाना है, वहाँ पर क्या कलेक्शन चल रहा है, तो अपने हिसाब से ले जाते, तो बाद में क्या होता है उसकी बिक्री नहीं होती या फिर कुछ ऐसा होता है, तो आपकी तरफ से क्या उसकी हेल्प रहने वाली है यहाँ पर? देखो अगर आप नया स्टार्ट करते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका पहला फर्ज बनना आप ग्राहक का विश्वास जीतो। फर्स्ट टाइम आप मार्जिन कम रखो, मार्जिन कम रखो, क्योंकि आपकी दुकान में ग्राहक आया, ये साड़ी है मान लो सस्ती साड़ी कोई भी है, आपने 500 की साड़ी लेके गए, आपने ग्राहक को 750 बताया, ग्राहक 600 भी बोल के जा रहा था, फर्स्ट टाइम ग्राहक को खाली मत जाने दो, क्योंकि जो एक बार ग्राहक लेके गए वो आपकी दुकान में दोबारा आने वाला है। तो इससे पहला तो यही बोलता हूँ कि आपके ग्राहक अगर 500 रुपए भी मिलते हैं ग्राहक को, तो फर्स्ट टाइम खाली नहीं मत जाने दो। हाँ, एक बार अगर आपके यहाँ से लेके गया और उसको चीज अच्छी लगी, तो समझ लो ग्राहक आपके रेगुलर हो जाएगा, रेगुलर हो जाने वाला। और रिटेल में तो ऐसा है ना भैया, ग्राहक आके गया, लेडीज लोग आते हैं, 50 साड़ी खुलवा दी और खोलने के बाद नहीं ले जाए, तो उससे प्रेम से रहो। ऐसा रिटेल में होता है, हम भी जाते रिटेल में खरीदी करने, मालूम आप पसंद नहीं आता तो उसका क्या मूड ऑफ हो जाता है, वो कुछ बोल देता है। मेरे राय में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ग्राहक कितने और भी हो, यहाँ पर कहीं बाहर से लोग आते हैं, ठीक है, तो आपकी तरफ से उसे कलेक्शन में हेल्प रहेगी, जैसे कि जैसे केरला का कलेक्शन अलग होता है, जैसे साउथ का अलग होता है। मेरे यहाँ पे महाराष्ट्र का भी सेल्समैन है, साउथ का भी सेल्समैन है, राजस्थान का भी है, और मेरे को भी 9 साल से एक्सपीरियंस है, तो मेरा भी यही रहेगा कि आप मेरी दुकान पे आओगे ना, तो मैं आपको वही कलेक्शन दिखाऊंगा जहाँ तक हो सके, यानी कि पूरी गाइडलाइंस मिलने वाली है यहाँ पर कस्टमर को। हमारी रिटर्न पॉलिसी है, तो मैं ऐसी चीज देना ही नहीं चाहूंगा कि आप ले जाने के बाद मेरे पास रिटर्न आओ। मेरा पूरा ये सहयोग रहेगा, मैं आपको वही टेस्ट दिखाऊँ, ताकि जो राजस्थान में कौन चलता है, एमपी में कौन सा चलता है, फिर भी आपकी कोई आइटम नहीं चलती है, रिप्लेस कर देते। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात, लेकिन रिप्लेस करते हैं यहाँ पर आपको बिल लाना जरूरी है। दोस्तों एक बात, बिल लाओगे ना भैया जिसे, तो मेरे को ये पता चलेगा कि आपके कौन सा आइटम सेल हुआ कौन सा नहीं हुआ, ताकि उसके रिटर्न के बदले में आपको कुछ दूसरा आइटम दूं, तो वही चीज दूं जो आपके सेल हुई। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सारा कलेक्शन यहाँ पर आपको दिखा दिया है, कि इस प्रकार यहाँ से लो प्राइस से यहाँ पर हाई प्राइस तक दिखाई, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्वांटिटी में यहाँ पर बिजनेस नहीं होता, यहाँ पर क्वालिटी में आता। दोस्तों एक बार यहाँ पर विजिट कीजिए, क्योंकि विजिट करने का कोई चार्ज नहीं होता यहाँ पर। मुकेश भाई ये कैसा रहेगा कि कोई यहाँ पर बंदा आता है ले या न ले, लेकिन एक बार यहाँ पर आकर देख कर जाए। सही है, यहाँ पे आके देख के जाएगा ना, तो इसको मान लो बिजनेस नहीं करना, आपको एक बार ट्राई मारना, तो एक बार ट्राई मार के जाओ, ताकि आने के बाद वैरायटी देखने के बाद आपका मन हो जाएगा कि मेरे को ये बिजनेस एक बार देख कर जाए, एक बार जरूर देख के जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आएगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और दोस्तों कुछ भी आपका सुझाव हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।